इस वीडियो में करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए, एक पॉइंट है ए, उसके हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई की वैल्यू। वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, और जो ए बी है वो क्या है, डायमीटर है किसका, सर्कल का। हुज सेंटर इज, और जिसका सेंटर कितना है, 2, -3। एंड बी इज, बी पॉइंट कितना है, 1, 4। हमें बी पॉइंट दे दिया है, हमें सेंटर दे दिया है, हमें बोला गया है कि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालिए। तो देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, सर्कल है। क्या है ये, सर्कल है। सर्कल का इन्होंने बोला ये डायमीटर है। डायमीटर क्या है, ए बी, ये क्या है, डायमीटर। अब उसके बाद इन्होंने बोला है जो इनके सेंटर में एक पॉइंट है, सेंटर बोला इन्होंने, सेंटर वाला पॉइंट कितना हमारा, 2, -3। इस सेंटर पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया है, पी नाम दे दिया है। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट इन्होंने दे रखे हैं 1, 4। अब हमें निकालना क्या है, जो हमारा ए पॉइंट है, इस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट निकालने, मतलब हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है ये क्या है, सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट क्या करता है, ए और बी जो हमारी लाइन सेगमेंट है, जो डायमीटर है, उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्योंकि ए पी भी क्या हो गई, रेडियस हो गई, और पी बी भी क्या हो गई, रेडियस हो गई। तो ये ए पी पी बी के क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि जो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, जो कि किसके इक्वल है, एक्स कोऑर्डिनेट 2 के इक्वल है, एक्स कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल है, -3 के इक्वल है। किसके इक्वल लिखा जाएगा, ये आपका होगा, अगर हम इसको और इसको जोड़ दें, अगर हमें पी 2 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए, जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है 2, उसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, ये 2 किसके इक्वल होगा, इसको और इसको जोड़ दें हम, x+1/2, x+1/2। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू x+1। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 इज इक्वल टू x+1। 1 को इधर शिफ्ट किया, 4 - 1 इज इक्वल टू x, 3 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, जो x कोऑर्डिनेट है, इसकी वैल्यू आ गई है 3। इसी तरह हमें जो y कोऑर्डिनेट है हमारा, ये y कोऑर्डिनेट, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब हमें पता है जो -3 है ये y ही है, ये किसका y है, जो p कोऑर्डिनेट है, जो p पॉइंट है, इसका y पॉइंट है हमारे पास -3। ये किसके इक्वल होगा, ये क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, किसको, y को, और किसको, 4 को, और किससे डिवाइड कर दें हम, 2 से डिवाइड कर दें। तो इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा -6 इज इक्वल टू y+4। 4 को हम इस साइड शिफ्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज, -6 - 4 इज इक्वल टू वाई, -10 इज इक्वल टू वाई। हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, हमें x की वैल्यू निकालनी थी जो कि कितनी है, 3 है। हमें y की वैल्यू निकालनी थी जो कि कितनी आ गई है, -10 आ गई। बस आपको ये याद रखना है कि ये सेंट्रल पॉइंट है, ये 2 किसके इक्वल होगा, इसके और इसके अगर जोड़ करके अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो उसके इक्वल होगा, और -3 किसके इक्वल होगा, वाई और 4 को जोड़ के अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो किसके इक्वल आ जाएगा, -3 के इक्वल आ जाएगा। क्योंकि ये कैसा पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। जैसे करते थे ना, हमसे कि लाइन सेगमेंट है, हमारे पास ये है 3, 4, ये है 5, 9, हमें ये पॉइंट निकालना, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करके किससे डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 8/2, 4 आ जाएगा। इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 13/2। तो ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या कर दिया है, इस कोऑर्डिनेट को हटा दिया है और हमें 4, 13/2, 5, 9, इस तरह से 2 कोऑर्डिनेट हमें दे दिए हैं। तो हमें ये फाइंड आउट करना है, तो हमने यही फाइंड आउट किया है, एक्स वाई इस तरह से करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ़ ए एंड बी आर, ये हमें ए और बी दो पॉइंट दे रखे हैं जिसके कोऑर्डिनेट ये गिवन है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब पहले आप ए का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, फिर आप बी का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, हमें किसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने, मतलब एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है पी कोऑर्डिनेट की, सच डैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 AB। हमें क्या गिवन है, ए पी किसके इक्वल है, 3/7 AB के इक्वल है। एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, जो हमारे पास लाइन सेगमेंट ए बी
है उसके किसी भी कहीं पे भी हमारी कोई भी एक पॉइंट है पी, वो लाई करता है। हमें नहीं बताया कहाँ पे लाई करता है, हमें यहाँ पे पी पॉइंट के एक्स और वाई निकालने हैं। तो सबसे पहले देखिए उन्होंने बोला क्या है, एक लाइन सेगमेंट है जो किस पॉइंट से मिलकर बनी हुई है, ए बी पॉइंट से। और जो ये लाइन सेगमेंट है इसके हमें कोऑर्डिनेट गिवन है ए बी पॉइंट के। ए पॉइंट के कितने हैं, -2, -2। और जो बी पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या गिवन है हमें, बी पॉइंट का है 2, -4। ये हमें कोऑर्डिनेट गिवन है। इन्होंने बोला पी पॉइंट कहीं पे भी लाई कर, मान लिया यहाँ पे है हमारा पी पॉइंट, तो इस पी पॉइंट के हमें क्या निकालने हैं, एक्स और वाई की वैल्यू, ये कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमें। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें ये दे रखा है, क्योंकि हमें रेशोज नहीं बता रखी है, तो रेशो हम यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए ए पी इज इक्वल टू 3/7, ए बी गिवन है, इसको हम यहाँ लेके जा सकते हैं 7AP = 3AB, AP/AB, ये हम नीचे लेके आगे, ये कितना हो गया 3/7। तो अगर हमें रेशो बतानी है AP ratio AB, तो कितना लिख सकते हैं हम 3:7। हमें यहाँ से AP की रेशो तो पता चल गई है, ये AP की रेशो, ये यहाँ से यहाँ तक जो हमारी रेशो है ये कितनी है, 3 है, ये हमें पता चल गया है। और हमें और क्या बताया इन्होंने, AB की जो रेशो है हमारा, जो AB लाइन सेगमेंट है हमारी, वो कितना है, A यहाँ है और B आपका कहाँ है, यहाँ है, ये टोटल कितना है, 7 है। अब देखिए ये AP कितना है, 3 है, और AB पूरा टोटल कितना है, 7 है, तो हम PB निकाल सकते हैं। अगर AB में से हम AP माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आएगा, PB। देखिए 7 में से अगर 3 माइनस किया जाएगा तो PB हमारे पास ये कितना बचेगा, ये रेशो 4। तो निकाल लिया हमने यहाँ से रेशो। अब तो इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और वैल्यूज निकाल लीजिए। हमें पी पॉइंट का क्या निकालना है, एक्स और वाई निकालना है, यही निकालना है हमें। अब देखिए पी पॉइंट का जो एक्स है वो किसके इक्वल होगा, m1x2+m2x1/m1+m2, ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला में सबसे पहले हमें m1 की वैल्यू चाहिए, तो जो ये वैल्यू है हमारी 3, ये किसकी वैल्यू है, m1 की 3 इंटू x2। x2 क्या होगा, लिख लीजिए पहले x1 y1 x2 y2, हमें किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पे, x2 की, तो x2 कितना है 2, प्लस M2 कितना है, PB के इक्वल है M2 हमारा 4, X1 चेक कीजिए कितना है, -2, M1 कितना है 3 और M2 कितना है 4, 3+4। तो कीजिए इसको सोल्व, 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया 6, माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा ना, 4 × 2 = 8, डिवाइड बाई 8, 3 और 4 हमने ऐड किया तो कितना आ गया 7, -2/7। तो किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, पी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, जो कि ये निकालना था हमें, ये आ गया -2/7। इसी तरह हमें पी पॉइंट का कौन सा कोऑर्डिनेट निकालना है, वाई, तो जो वाई कोऑर्डिनेट निकालते हो तो यहाँ पे वाई की वैल्यू यूज करते हैं हम, m1y2+m2y1/m1+m2, रख दीजिए वैल्यूज। M1 कितना है, M1 है 3, Y2 कितना है -4, प्लस M2 कितना है, M2 हमारे पास 4 है, Y1 कितना है -2, M1+M2 अभी ऊपर किया ही था हमने, 4 और 3+4 कितना आ जाएगा ये 7। तो सोल्व कर लीजिए इसको, -4 और 3 माइनस का 12 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 × 2 = 8 हो गया, -7, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो -20/7। तो ये आ गया हमारे पास पी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स की वैल्यू क्या आई हमारे पास, -2/7, और जो वाई कोऑर्डिनेट है इसकी वैल्यू कितनी आई है, -20/7, यही निकालना था हमें।